भाई मेरे साथ हो गया लोल। अच्छा हुआ मैंने अभी चेक कर लिया। मैं बरौली। ये गैंगस्टर्स ये साड़ी वाला और ये पीछे साड़ी ये आर्टिस्ट आर्ट भाई ओए 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 ठोक रहे हो क्या भाई मेरे साथ हो गया लोल। अच्छा हुआ मैंने अभी चेक कर लिया कि वीडियो बन रही है कि नहीं। उधर से तो आया था बड़ी तेजी से कि वीडियो बन रही होगी वीडियो बन रही होगी। लोल हो गया है। तो अब चलते, देखो मैं पहुंच चुका हूं गाइस अपने आगरा इनर रिंग रोड पे। तो ये है इनर रिंग रोड, यहाँ से आप मतलब जो ये ऊपर गया है ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये मतलब मैं बता रहा था जो पिछली वीडियो में, वीडियो चली नहीं तो मैं वापस से बता रहा हूँ। और अब आपको लेके चलते हैं आगे तक, थोड़े पूरा दिखाऊंगा कुबेरपुर वगैरह कहाँ कहाँ पे क्या क्या पड़ रहा है सब कुछ। वीडियो चेक करेंगे कि क्वालिटी कैसी आ रही है, वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही है, देखते हैं। ओके यही जगह बैठेंगे। टूडू टूडू यहाँ बाइक सब टोल तो फ्री है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। ओहो ये दुकानें इन्होंने नीचे कर दी सारी, सही है गुरु। चलो इनमें से किसी एक दुकान पे बैठते हैं, चाय वाय पियेंगे। वैसे चाय तो अपनी उधर की अच्छी है, कहाँ की। तो भाई हम आ चुके हैं टोल प्लाजा पे और ये रहा टोल, लाइक ये कुबेरपुर टोल है। यहाँ से आप जाओगे तो आगे कुछ किलोमीटर्स लाइक अराउंड 20 to 15 किलोमीटर्स आगे नीचे NH के लिए हो गया है और आगे जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेस पड़ जाता है। चलो चाय पी के आते हैं। वीडियोस बना दो छोटी मोटी, छोटे से यूट्यूबर है लाइक अभी तो शुरू ही किया है बस। अबे यार बस इसमें एक दिक्कत आ रही है, माइक की दिक्कत आ रही है, माइक में फड़ आवाज़ आ रही है, लाइक विंड ब्लास्ट बहुत तगड़ा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे टोल पे रुके थे और आपको आगे तक लेके चलते हैं जहाँ पे कट है, फिर वहाँ से आपको अच्छे से समझाऊँगा, तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं उस बोर्ड पर, तो आगरा मतलब लाइक सिकंदरा विकंदरा रामबाग के लिए नीचे उतर जाएं आगे से, और मथुरा के लिए भी नीचे उससे उतर सके आप अंदर से जा सकते हैं NH, और या तो आप यमुना एक्सप्रेस वे भी सकते हैं। ये हम लोग उतर जाएंगे अभी NH पे और आगरा है हमारा राइट साइड में। अगर यहाँ से आप राइट जाते हैं तो आगरा है, और यहाँ से जहाँ से उतर के हम लेफ्ट जाएंगे मतलब अपने सीधे सीधे जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, टूंडला, फिरोजाबाद, जहाँ आप जाना चाहते हैं आप यहाँ से निकल सकते हैं सीधे सीधे। तो ये हम आ गए हैं NH पे। NH भाई रिस्की काफ़ी रहता है क्योंकि इसमें भीड़ बहुत रहती है और मोटरसाइकिल्स बाइक्स मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रोड है ये वाला। तो यहाँ पे आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर खाइए पिए अपना चाय वाय फिर रेडी हो जाइए। यहाँ पे आपको बसेस भी मिलती हैं, लाइक हब है यहाँ पे आके सारी बसें रुकेंगी। और तो ये हम वापस से चढ़ जाते हैं ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मतलब यहाँ से अभी तो हम इनर रिंग रोड पड़ेगी, उसके बाद जो आ जाएगा आगरा
लखनऊ एक्सप्रेस वे, वहाँ से आप आगरा से लाइक डायरेक्ट लखनऊ विद इन 4 or 3 hours पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से। लाइक अगर आप आते हैं लाइक बाइक से तो काफ़ी सही है क्योंकि टोल नहीं लगता, और लोकल्स के लिए तो कार में भी टोल नहीं है, सही है, काफ़ी बढ़िया है। फॉर्च्यूनर भाई मॉडिफाई तगड़ी कराई है बंदे ने, अच्छी लग रही है। CG ये कहाँ का नंबर है भाई, जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट बिलो। और ये गैंगस्टर्स मतलब ये भाई अपने लोकल होंगे आजू बाजू के। अभी काफ़ी पानी कम हो गया है भाई, गर्मी इतनी बढ़ रही है, आगरा का टेम्परेचर अराउंड 41-42 डिग्री सेल्सियस है और रात में हो जाता 31-30, काफ़ी सही लग रहा है भाई। वो क्या चीज़ होती है, ये भी क्रॉसिंग टाइप है। यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो आ जाएगा अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि आपको लखनऊ तक ले जाएगा, सीधे चलेंगे तो आप आ जाएंगे अपने आगरा यूपी मेट्रो। यहाँ पर ही सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी, मेट्रो की सारे काम जितना भी हो रहा है यहीं से हो रहा है, यहाँ से आपको बना के आपको ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ जहाँ पे लोकेशन पे मतलब हुई है। ये देखिए मेट्रो के ही वो बने हुए हैं जो क्या कहते हैं स्टेशन टाइप नहीं होते हैं, लाइक ट्रैक के लिए बना हुआ है प्रॉपर, यहाँ से बन के जाएंगे फिर जहाँ पे मेट्रो का रूट गया है वहाँ पे ये इंस्टॉल करेंगे। तो भाई यहाँ से आपको प्यारा सा बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, उतरते ही आपको रमाडा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है उन लोगों की, बस थोड़ा सा कॉस्टली है। तो यहाँ से हम उतर गए हैं अपनी फतेहाबाद रोड, और यहाँ पे जाएंगे तो फतेहाबाद पड़ेगा और यहाँ पे पड़ेगा आगरा, तो हम लोग चलते हैं आगरा की तरफ। ये देखो 2 दिन और बिठा ले भाई, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग बैठे हैं भाई अलग ही लोग। ये हमारा JB पैलेस 5-star होटल है अपना आगरे का, काफ़ी सही है भाई, कभी गया नहीं हूँ, मिडिल क्लास लोग कहाँ जा पाते हैं भाई। देखते हैं जॉनी है, वो बैठे जॉनी है और 2-3 लोग और हैं, देखते हैं कौन कौन है। हाँ भाई क्या हो रहा है, ये रे हमारे जॉनी डॉन, हेलो ब्रो, डर गया बेचारा, क्या कह रहा है, हाँ देख रहा है, बड़े हो गए हैं भाई लड़के आजकल के, बड़े हो गए हैं। तो गगन तो फोटो में भी सेम लगता है यार, सेम लग रहा है, देखिए तू भी सेम ही लग रहा है, काला लग रहा है, देखा नहीं ना अपने आपको, फोटो में नहीं देख पाता, चलते हैं, काला लग रहा है, यार सुनना चाहते हैं वो तुम्हारा का वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहा हूं सुनना चाहते हैं, बोलो क्या बोल रहा था, बोल मेरी शक्ल लेके फेम, क्या बोल रहा था बोल, पहले अपनी शक्ल दिखा,
हाँ गाइस ये एलविश यादव से ज्यादा सुंदर लगता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तू अपनी बता। क्या कह रहा था ब्लॉग में? तो लोग उनको लेने चाहिए, तो ब्लॉग की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं भाई, क्यों भाई, गगन सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल गलत कह रहा है। एल्विस से तो बहुत बढ़िया लगता है, ऐसी भी देखो। ओह ये देखो हैंडसम, इसको फेम नहीं मिल रहा है। फेम नहीं मिल रहा है, हैंडसम बॉय। इलेक्ट्रो नहीं है ना, फॉर्च्यूनर नहीं है। नहीं बराबर, 0001 नहीं है ब्रो, 0001 नहीं, नहीं है 0002। पैसे में कमी है क्या? 14 प्रो चला रहा है वो। कौन सा 14 प्रो? 1 टीवी मैक्स मैक्स बराबर चला रहा है। और ऑन कैश ऑन लिया उसने? ले भाई, BMW बेकारी ली है। कौन सी BMW भाई? ये जो गाड़ी है बेकारी ली है तूने, तो फॉर्च्यूनर लेने था। कहां है, दिख क्यों नहीं रही? ये BMW है। अच्छा अच्छा, वो ड्राइवर ड्राइवर ले गया वो मेरा। दिल दरिया दिल है ना, तू लोगों को दे देता है। मैं बताऊं इसका, अरे BMW तूने कम वाला ने R15 ली है। तेरे पापा ने मना करी ना गाली नहीं देने की? हां गाली दे रहा बदतमीज स्टूपिड बॉय। लेकिन पापा की तरफ ही देख रहा है। लेकिन तेरे पापा ने दिए कितनी भी गाली दे तू। कोई अपनी बेइज्जती पे हंसता है ऐसे हंसता है? ये साड़ी वाला और ये पीछे साड़ी, ये आर्टिस्ट वो आर्ट चाहिए। अभी अभी क्या कह रहा था यहाँ पे चाय के लिए? क्या कह रहा था तू जॉनी, बता दे एक बार। कह रहा था दूध ले लेते सही। बड़ा हरामी हो चल ठीक है भाई, कितना सप्लाई कर रहा है? एक मिनट रुकना गाइस, एक चीज दिखाऊं आपको। आप रशियन देखना चाहोगे? रशियन 6000 ले भाई, अब तो है, अब तो बन जा। 36 साल हो जाएगी तभी किस तरह छुपाएगी उसकी। हाँ भाई, कहाँ जा रही है सवारी? घर पे हो गया टाइम पास। दिनों का शूट कर रहे हैं। ओ भाई, ओ शूटर मतलब स्कूटर बच गया, गिर जाता अभी मैं। हाँ वो वाली रील ज़्यादा वायरल हो रही है। चलो गाइस घर चलते हैं, अब सीधे देखते हैं घर जाएंगे या फिर कहीं और, फिर आपको अपडेट करते हैं। बाय गाइस। तो भाई बीच रोड पे हम कर रहे हैं सौरभ का वेट, वो आ रहा है, देखते हैं इधर से आएगा कितनी देर में आएगा, देखते हैं। ब्रो गैंगस्टर गैंगस्टर। हाँ भाई, ओए ओए ओए, ठोक रहे हो क्या? क्या करे, आदत से मजबूर है भाई। कहाँ चल रहे हैं? चलो दद्दू। चाचा भाई, सौरभ भाई, तुम फोन नहीं उठाते हो, नवाब बन गए हो आजकल। सोने से फुर्सत मिले तब ना भाई, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग, बड़ी बात है, बड़ी बातचीत। चलो भाई चलते हैं दद्दू पे। तो गाइस फाइनली मोमोज पैक करा लिए, घर से डिमांड आई थी, खैर कोई नहीं, और अब चलते हैं सीधे अपने घर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ प्रतीक यादव। बाय बाय।